देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। तलेन नगर से 8 किलोमीटर दूर ग्राम अमलार में करीब 500 वर्ष पुराना शिव मंदिर है, जिसे पुराने समय में चार भुजा धाम कहते थे। अब गांव वाले उसे कमलेश्वर महादेव कहते हैं। यह मंदिर प्राचीन काल से स्थित चमत्कारी स्थान है। यहां सभी मन्नतें पूरी होती हैं। शिवरात्रि पर यहां विशेष श्रृंगार किया जाता है। आसपास से दर्शन करने वालों की अपार भीड़ रहती है। सन 1996 से यहां अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। इस मंदिर में विष्णु भगवान के 12वां अवतार की प्रतिमा यहां पर स्थित है। गांव वालों के अनुसार बहुत कम मंदिरों में ऐसा दुर्लभ चित्र रहता है। इस मंदिर में एक गुफा भी है जहां शिव प्रतिमा विराजमान है। गांव वालों के अनुसार गुफा के अंदर विराजमान शिव प्रतिमा के पास स्थित गुफा के अंदर जाने वाले रास्ते पर गांव वालों ने कई बार नागदेव को देखा। बताया जाता है कि नागदेव यहां पर पहरा देते हैं। गुफा के अंदर एक रास्ता है। बताया जाता है कि वह रास्ता उज्जैन जाता है। वर्तमान में वह रास्ता बंद है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार यादव। आप देख रहे हैं खबर समय जगत। इस समय हम राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कस्बा तलेन के पास स्थित ग्राम अमलार में स्थित चार भुजा धाम मंदिर, जो कि करीब 500 वर्ष पुराना है, जहां गुफा के अंदर महादेव शिव जी की पिंडी विराजमान है। ये इस समय अपन गुफा में अंदर है। गुफा से अपन बाहर निकलते हैं। आइए, आप देख सकते हैं इस समय गुफा से हम बाहर आ रहे हैं। ये प्राचीन काल से बने हुए हैं। यहाँ जैसे उज्जैन हरसिद्धि मंदिर में दीपक जलते हैं, ऐसे ही यहाँ शिवरात्रि पे और अन्य पर्वों पे दीप जलते हैं। ये आप देख सकते हैं 12 अवतार है। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। ये मंदिर को क्या कहते हैं और कितना पुराना है, क्या बता सकते हैं आप इसके बारे में? क्या कहते हैं पुराने लोग? पुराने लोग बताते हैं कि लगभग ये 500 साल से अधिक पुराना मंदिर है और यह काफी चर्चित रहा है। काफी दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और शिवरात्रि के महापर्व पर यहाँ पर काफी भीड़ उमड़ती है और सावन में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। किस नाम से जानते हैं इस मंदिर को? ये चतुर्भुज नाथ मंदिर नाम से जानते हैं। चलो आइए। खबर समय जगत के लिए तलेन से मुकेश यादव की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।